की इकदार पोएटिक मीडियम है। इसका ये मतलब है कि लाइफ की इकदार पोएटिक मीडियम है, और इसका ये भी मतलब है वाटर के बगैर लाइफ नहीं, और इसका ये भी मतलब है कि सेल जो बेसिक यूनिट है लाइफ उसका मीडियम पोएटिक है। ठीक है, सेल के अंदर भी पानी पानी होगा, सेल लाइफ है, सेल के बाहर भी वाटर होना चाहिए। सेल के बाहर का मीडियम हो या सेल के अंदर का मीडियम, दोनों एक्वल होना चाहिए, अदरवाइज लाइफ नहीं हो। अच्छा, लाइफ को रन करने के लिए मेटाबॉलिक रिएक्शन की जरूरत है। मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या जरूरत करते हैं इंसान, ठीक है, लाइफ रहना उनकी एक्टिविटी भी एक्वस मीडियम में डिफरेंट फीचर्स ऑफ वाटर जिसकी वजह से वाटर जो है ना एक मीडियम आता है, वो फीचर्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल पहला फीचर है सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर रिगार्डेड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम सॉल्वेंट को डिजॉल्व कर सकता है, मैक्सिमम नॉट ऑल, ऑल मैक्सिमम सॉल्वेंट को डिजॉल्व कर सकता है। और वाटर की ये सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज पोलर नेचर की वजह से, वाटर इज पोलर। वाटर पोलर क्यों है? वाटर पोलर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना ये वाटर को पोलर बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान, जो दरअसल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, इसकी वजह से होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होती है। और नंबर वाटर मॉलिक्यूल लाइक दिस बिल्कुल ऐसी होगा वो भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब एक मॉलिक्यूल के जो पार्शियल नेगेटिव रीजन है वो पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं,
और पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तीसरा वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान, तीसरा वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान क्या बनती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये कवलेंट बॉन्ड है। क्या ये, दिस इज कवलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और कवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, उसको हम कहते हैं कवलेंट बॉन्ड। ये पोलर क्यों हो जाता है, पोलर इसलिए हो जाता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.3 और हाइड्रोजन की जो एनर्जी है 2.1, इतने ये डिफरेंस ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है ना, ये हाइड्रोजन के करीब होने की बजाय ऑक्सीजन के ज्यादा करीब होता है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा करीब हो जाता है तो ऑक्सीजन के ऊपर जो है ना, ये बात का नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कमल नेगेटिव नहीं है। और हाइड्रोजन क्योंकि दूर हो रहा है इसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये दरअसल जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ये वाटर को पोलर बनाता है। और वाटर की पोलैरिटी जो है ना, ये सॉल्यूशन में डिसॉल्यूशन में हेल्प करती है। अब कौन कौन से सब्सटेंसेस वाटर के अंदर चल रहा है, मसलन आयनिक सब्सटेंसेस जो कि इनऑर्गेनिक होते हैं, जब आप उनको वाटर के अंदर पुट करते हैं तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, इसमें आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे बाद में उनका सोडियम आयन, सोडियम क्लोराइड है, इसको हम वाटर के अंदर पुट करेंगे, ये जनाब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं। लेकिन सोडियम आयन को पॉजिटिव आयन है, इसको अट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन, और क्लोराइड आयन नेगेटिव चार्ज में इसको अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव चार्ज ऑर्गेनिक है। जैसे बात नंबर ग्लूकोज है, इनके अंदर होते हैं चार ग्लूकोज, क्या होते हैं चार ग्लूकोज, तो ये भी वाटर के अंदर मिसिंग वाले हैं। ये उनके मुकाबले में थोड़ा लेट डिजॉल्व होंगे, लेकिन ये भी कमल और पर डिजॉल्व हो जाते हैं। जैसे ग्लूकोज है, जैसे शुगर है, चीनी, जैसे कोल है, ठीक है, ये सॉल्युबल है वाटर के अंदर, लेकिन आयनिक के मुकाबले में थोड़ा कम है। नॉन पोलर आ जाते हैं, नॉन पोलर सब्सटेंसेस यदि ऑर्गेनिक हैं, बिल्कुल इनसॉल्युबल है वाटर, ये डिजॉल्व नहीं है, और ये सेल स्ट्रक्चर या सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे लिपिड हैं, प्रोटीन है, ये वाटर में ये बड़े किस्म के सॉल्यूट हैं जो लाल नहीं होते। ये क्या बनाते हैं, ये मेम्ब्रेन बनाते हैं, प्रोटीन मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, सेल लोग सेल वॉल बनाता है। अगर ये भी डिजॉल्व हो जाते हैं तो सेल मेम्ब्रेन ना बनती, वाटर वाटर की सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज की बात हो गई।
उसके बाद हम बात करते हैं वाटर के दूसरे लीटर की हीट कैपेसिटी का मतलब होता है जी हरारती गुंजाइश। हीट कैपेसिटी हरारती गुंजाइश। ये क्या होती है? ये होता है जी नंबर ऑफ कैलोरीज नंबर ऑफ calories required to raise the temperature of 1 gram of water from 15 degree centigrade to 16 degree centigrade. हमारे पास 1 gram water है, we have H2O, 1 है, इसका temperature 15 degree centigrade है, तो हम इसको heat up करते हैं और हम इस वाटर का टेम्परेचर जो कि 1 gram था, इस वाटर का टेम्परेचर 15 से 16 करते हैं 3 डिग्री से, ठीक है। 15 से 16 तक ले जाने में जो हीट कंज्यूम होती है उसकी अमाउंट है 1 कैलोरी। कितनी हीट कंज्यूम होती है? 1 कैलोरी। मेरा एक सवाल है, 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का टिपिकल स्टेटस क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? लिक्विड। आज वाटर यहां पे क्या है? हमने इसको हीट अप किया, इसका टेम्परेचर हमने 16 कर दिया। अब क्या है टिपिकल स्टेटस वाटर का? जब टेम्परेचर 16 हो गया तो वाटर का फिजिकल स्टेटस अब क्या है भाई? सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? गैस है। अभी भी ये लिक्विड है, अभी भी क्या है? लिक्विड है। वाटर 15 में भी लिक्विड था और 16 में भी लिक्विड, इसका मतलब ये हुआ कि वाटर ने अपने फिजिकल स्टेट चेंज किए बगैर ही जिंदा है। इसका मतलब ये भी है कि वाटर अपनी फिजिकल स्टेट चेंज किए बगैर ही जिंदा कर सकता है, ऐसे ही। तो इसका ये मतलब हुआ कि वाटर एक थर्मल स्टेबलाइजर है। क्या है थर्मल? हमने अगर किसी चीज को हीट से ना कुछ कर रहा है उसी में पानी डाल रहे, क्या करें? पानी भर दें। क्या होगा? हीट जब उस बॉडी के अंदर एंटर होगी, वाटर हीट का काम कर देगा, तो हीट बॉडी को डैमेज नहीं कर सकता, ठीक है? नहीं ना, हमारी बॉडी के अंदर जो 70% वाटर है बेसिकली ये काम नहीं कर रहा है। जब एनवायरनमेंट से हीट हमारी बॉडी में एंटर होती है तो हमारे साइटोप्लाज्म का वाटर, हमारे सेल के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वाटर है वो क्या करता है? उस हीट का हमारे सेल को नुकसान नहीं होने देता, इसके ठीक है जी। तो इसका इसका फायदा ये हुआ, वाटर एक्ट्स एज थर्मल स्टेबलाइजर। और वाटर की इसी प्रॉपर्टी की वजह से
हम वाटर को उसके अंदर हम एक कोल्ड बॉडी बनाते हैं जिसके अंदर वाटर सर्कुलेट कर रहा होता है, इंजन की हीट एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ऐसे ही हर गाड़ी के अंदर वाटर क्यों डालते हैं, ताकि इंजन की जो हीट है वो वाटर क्या करे, एब्जॉर्ब कर सके। वाटर वहां पे थर्मल स्टेबलाइजर के तौर पर एक्ट कर रहा है। किस वजह से वाटर थर्मल स्टेबलाइजर के तौर पर एक्ट कर रहा है, बिकॉज ऑफ हाई कैपेसिटी ऑफ वाटर। वन गैलरी बहुत ज्यादा हीट होती है, बड़ी बात ठीक है ना, समझे ना? ओके अच्छा जी, उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी जो वाटर की है, थर्ड प्रॉपर्टी, इट इज हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन ये क्या है, ये हीट कैपेसिटी से आगे की बात है, ठीक है? ये क्या है, नंबर ऑफ कैलोरीज, नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर्स। अब आगे की बात है जनाब, अब हमने वाटर को इतना हीटअप करना है कि वो वेपरेट कर, क्या कर दे, वेपरेट कर दे। हमारे पास 1 ग्राम वाटर है, वी एम एन को लिक्विड स्टेट में हम इसको हीट अप करते हैं और इसको हम कन्वर्ट करते हैं टू गैसेस। अब हम इसको जो हीट देंगे, टेम्परेचर हम देंगे जो नदी में देना पड़ेगी, वह 574 किलो कैलोरी पर केजी, 577 किलो कैलोरीज, 574 हीट कैपेसिटी की वैल्यू थी 1 कैलोरी, और यहां पे है 574, यानी मान लो 574 का कंपैरिजन। अब हीट भी बहुत, इसका ये मतलब है कि वाटर जब इवेपोरेट होता है तो वो और ज्यादा हीट का लाभ करता है, और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाता है, सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाता है और उससे कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। क्या पैदा होता है, अगला ये डिफरेंस है हीट कैपेसिटी में और हीट वेपराइजेशन में। हीट कैपेसिटी में वाटर खुद गर्म हो जाता है, कूलिंग इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, वो बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ने देता। कूलिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि बॉडी का बढ़ा हुआ टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, ठीक है? सो दिस इज हीट कैपेसिटी, दिस इज हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो कि दरअसल हीट कैपेसिटी से चेंज कर रहा है, और इसका इफेक्ट हमें कब मिलता है, जब हमारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म से पैदा होने वाली हीट हमारे वाटर को एवेपोरेट करवाती है, और वो एवेपोरेट होने वाला वाटर के अंदर ट्रांसपायरेशन पैदा होता है। हाँ जी, हीट ऑफ वेपराइजेशन की हम बात कर रहे हैं,
लेट्स प्रोड्यूस सेल्स पूरे की वेयर ओके जी स्टार्ट करते हैं फिर जी। हम डिस्कस कर रहे थे हीट ऑफ वेपराइजेशन और उसकी इंपॉर्टेंस की हम बात कर रहे थे कि हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से एनिमल्स के अंदर कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है जब पसीना आता है और प्लांट्स के अंदर कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है जब ट्रांसपिरेशन। एक और बात जिसका हमारे बुक के अंदर जिक्र किया गया है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये है कि अगर आपके पास 1 लीटर वाटर 1 लीटर 1 लीटर में कितने एमएल होते हैं 1000 एमएल होते हैं। अच्छा उसमें से वो कहते हैं 2 एमएल वाटर मतलब ब्रेड हो गया बाकी के वाटर होगा ना 900 डिग्री टेम्परेचर से 2 एमएल वाटर की वजह से। वाटर के बहुत कम मॉलिक्यूल आयनाइज होने लगे 0.1%। ठीक है आयनाइजेशन से क्या मतलब है, आयनाइजेशन मतलब यह है कि वाटर में बहुत कम मॉलिक्यूल जो है वो रूम टेंपरेचर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोक्साइड आयन की। -7 मोल पर लीटर लीटर। अच्छा जब आप पीएच निकालते हैं वाटर की तो आप पीएच निकालते हैं ये जो होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अब आप हाइड्रोजन आयन की जगह उसकी वैल्यू पुट करें ये बनेगा माइनस का 10^-7
फिर आप पीएन मॉडल की कितनी हो जाएगी सेवन। अक्सर आपने सुना होगा वाटर की पीएन जो है सेवन है। ओवर ऑफ वाटर क्या है? ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। इसका मतलब ये ओवर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वाटर क्या है? वो है सेवन। ओवर ऑल वाटर क्या हुआ जी? वाटर ओवर ऑल न्यूट्रल है। ओवरऑल वाटर क्या है जी? न्यूट्रल। लेकिन इस न्यूट्रल सब्सटेंस के अंदर आयन की मौजूदगी जो है ना उसको पोलर बनाती है और इसको एक अच्छा सॉल्वेंट बनाती है। बनाती है एक अच्छा सॉल्वेंट बनाती है। ओवरऑल न्यूट्रल है लेकिन आयन हर वक्त इसके अंदर मौजूद होते हैं कम क्वांटिटी में जो बैलेंस में हेल्प कर रहे हैं।